एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? तो भाई आई होप सो आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज जो है हमारा ब्लॉग आने वाला है बिरला मंदिर पे। आज हम लोग ब्लॉग बनाने वाले हैं बिरला मंदिर पे, जो कि यहीं से पास में है। तो आज हम लोग आ रखे हैं दिल्ली। तो आज जो ब्लॉग होने वाला है वो हमारा होने वाला है बिरला मंदिर पे। तो भाई वीडियो में अगर बताने की जरूरत नहीं, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे वीडियो में बने रहो। चलो जी, चल पड़े हैं बिरला मंदिर के लिए। तो रास्ते हम आ चुके हैं बिरला मंदिर के पार्किंग में और हम जा रहे हैं बिरला मंदिर। ये आ रहा है, तो ये है बिरला मंदिर। अभी एंट्री करने के लिए कुछ अलग स्टेप हैं। आ चुके हैं बिरला मंदिर के एकदम सामने। तो आपको कुछ जरा दिखाता हूँ इसके नज़ारे बिरला मंदिर का सामने का एकदम फेस। कुछ तो एंट्री दिखा देता हूँ प्रॉपर आपको, कहाँ कैसा नजर आता है सब कुछ दिखाते हैं अभी आपको ब्लॉग। चलो भाई, अगर आप लोग चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल पर बने रहना। ये जो सामने आप सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपने शूज़ और फ़ोन जमा करोगे तब आपको यहाँ पे मेन एंट्रेंस पे जो है ये वाला एंट्रेंस मेन है, तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी। और बाई चांस अगर आप फोन और शूज़ वगैरह जमाना नहीं करना चाहते हो, आप पीछे की साइड से दो एंट्रेंस और है, तो वहाँ पे घूम सकते हो। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल मंदिर है ये वाला, और ये एंट्रेंस है यहाँ का मेन एंट्रेंस, बहुत ही प्राचीन और ब्यूटीफुल मंदिर है ये वाला। और एक एंट्रेंस है ये वाला, ये एक एंट्रेंस है, इसके तीन एंट्रेंसेज हैं बिरला मंदिर के। भाई हम बिरला मंदिर के अंदर एंट्री नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे एक शर्त थी कि आपको फ़ोन जमा करना पड़ जाएगा, तो इसलिए हम लोग बिरला मंदिर तो नहीं, उसके बैक साइड से हम लोग अंदर आए। सो फाइनली हम लोग इस गेट से, जो आप लोग के सामने गेट देख सकते हो, इसी गेट से एंट्री मिली, बट मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया। तो फर्स्ट तो ये सामने टेम्पल्स हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, तो लोग आए अच्छे कोरोना टाइम पर भी। तो यहाँ पे भाई पानी रहा कर रहा, बट ये तो सूख चुका है। और साइड में है इनके, ये कौन है जी? मोनू तेरा ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल देख, ये देख अन्नत, देख अन्नत भाई जल्दी सॉरी कर दो, यहाँ तो अच्छे बैठे हम क्या करने वाले। मैं रंगीन फोटो 5 मिनट में तैयार, सुपर है भाई रंगीन फोटो बना ले। मैं भी जाता हूँ सामान तो बल्ला ना कोई हाथ है मंदिर में टाइम नहीं मिल पाई, क्योंकि ये सामने दिख रहा है, ये देखने वाला सारा एरिया भी बल्ला है, सब बंद करो यार। और ये खुला है, कौन सा रास्ता है?
है मंदिर जो कि ये भी बंद है, इसके लिए भी हमें हमें परमिशन नहीं मिली जो कि नहीं है हमारे पास, वो नहीं खुला हुआ है। एक मिनट देखते हैं, पहले उनको फर्स्ट बाहर आ जाता है। अरे उनका पता नहीं लगा, छोटा भाई ये बड़ा भाई। एक बार और बैठ के आपको दिखाता हूँ, असली शेर तो नहीं भाई, नकली शेर पे बैठ जाओ। तो भाई हम नकली शेर पे बैठते हुए, भाई मजा आएगा, असली शेर पे तो बैठ नहीं सकते, नकली शेर पे बैठ के उनकी वीडियो बना लो। मोनू भाई आप भी बैठोगे? रहने दो रहने दो, उतर नहीं पाऊंगा भाई, ज़्यादा ही डर लगता है भाई, यहाँ के पहाड़ डर थोड़ी खतरनाक है, देख लो कैसी स्लीपर है। एक बार गए तो गए सीधे भाई, असली जिंदा हो, जिंदा हो गया आंकी दाढ़ी में भाई, सोच के तो वाट लगी हुई है, बेचारे चोट लगी भाई, मैंने पट्टी कर दो उसके, इस पर बैठेंगे अंदर होगा उसको। वही है पार्किंग और वो है मंदिर जो आपको सामने दिख रहा है, जूम करना भाई, बस वहाँ एंट्री लेने के लिए डिस एंट्री करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, तो उनको बंद करना पड़ेगा और आपको जमा करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है भाई। तुम्हें बहुत कुछ तो दिखाई चुके हैं, पार्किंग से निकलते हुए चीज़ और दिखाते हैं, तुम्हें बस क्या करना है, वीडियो में बने रहो, देखते रहो और सब्सक्राइब और लाइक तो भाई ठोक के रखो, कमेंट कर देना भाई वीडियो अच्छी लगी हो। अभी तो बाकी वैसे पानी पूरी खाने खा लेना, और ये है यहाँ पे झूले, झूले गए तो पानी खिलाती है, नकली झूले हैं भाई, बचपन में आया था, अब तो काफ़ी पैसे ठीक हो गए। ए ये देखो, ए सब ये छोटा क्रिस्टल था वो भाई, ये इसको दिखाते हैं आपको, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा साईं बाबा जी का मंदिर है ना, ग्रेट। तो भाइयों ये है साईं बाबा जी का मंदिर, कुछ तो चलो एक मंदिर और अब हम लोग जा रहे हैं शेष स्तंभ में, शेष स्तंभ का पावर हाउस बोल दो, लोगों का सुना भाई पावर हाउस का, शेष स्तंभ को जा रहे हैं भाई हम लोग। ओह ओह भाई असली घुसवाई तो यहाँ है, घोड़े एकदम, ये देखो भाई यहाँ निकालो, क्या लिखा है, घोड़े पर चढ़ने के 500 रुपये कितने दूर है, मैंने तो और बोल दिया भाई। ओके यहाँ पे जो है इस पर चढ़ना इसलिए कुछ है क्योंकि यहाँ सच में लिखा हुआ गीता रथ तथा घोड़ों पर चढ़ना वर्जित है, आई थिंक ये गीता रथ है, दैट्स व्हाई मैंने मना करा हुआ है, बहुत अच्छा रहता है यार, इसलिए इनको थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, इसलिए तो पता तो कॉशन से बहुत बढ़िया है ये मंदिर भाई, खजा है आपको कुछ भगवान दिखाते हैं, वीनस भगवान, सन, सूर्य, मरकरी, बुद्ध भगवान, गुरु, जुपिटर, प्रॉपर सारे भगवानों का है यहाँ पर, केतु, सैटन, शनि और राहु, मार्स नहीं राहु और मार्स मंगल, उसके बाद मून, चंद्र एंड लास्ट है, अच्छा फिर से वीनस आ गया। एक ये है यहाँ हमारे आर्य हिंदू धर्म रक्षक भरतपुर के महाराजा सूरजमल, जिनकी वीर वाहिनी जाट सेना ने मुगलों के ताले लाल किले आगरा पर विजय प्राप्त की थी, ये है महाराजा सूरजमल, इनके भी अलग ही कोई कहानी रही होगी, बहुत बड़ी बहुत महान योद्धा होंगे यदि कोई। बाकी ये है गीता का रथ, गीता इतनी भगवत गीता उनका रथ है, मेरे ख्याल से सूरज उनको भगवान होगा, आई डोंट नो। यही है यार आपको मंदिर को दिखा नहीं सकते, अब आगे एक आपको पास दिखा देते हैं, मैं फिर फंस गया यार, यहाँ के रास्ते ऐसे ट्रैप हैं बिल्कुल, क्या बताएं, कुछ कुछ रास्ते बंद है, पूरा घूमना पड़ता है, अभी यार ये बंद है। अगर आप कभी लोग आप लोग कभी भी बिरला मंदिर आते हो तो आप सभी लोगों को बाहर पार्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिरला मंदिर की खुद की एक पार्किंग है, यहाँ पे आप लोग मतलब पार्किंग है फ्री ऑफ पार्किंग है, तो आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो, और यहाँ की बिरला मंदिर की पार्किंग है, और यहाँ पे आप सभी लोग अगर कभी भी आप घूमने आते हो, अगर आर के आश्रम वाले होंगे तो उनको क्या, उनको तो बाइक से भी आके अपना घूम सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई दूर से आता तो आप यहाँ पे बाहर बाहर ना पार्क करके आप यहाँ आराम से पार्क कर सकते हो। यहाँ पर जो है आई थिंक यहाँ पर भी एक केव है जिसके अंदर कोई मंदिर होगा, बट शायद ये अभी बंद है, हम देख लेते हैं भाई। यहाँ ये जो है ये साईं बाबा जी का मंदिर है, एंड ये जो केव है ये बंद है फिलहाल, अभी सबका एंट्रेंस बहुत अच्छा दे रखा है यहाँ पे इस मंदिर में, ये मंदिर भी आई थिंक कोरोना की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो यहाँ पर इसको भी बंद करा हुआ है, ये पीछे वाली साइड है, और यहाँ पर जो है प्रॉपर एक पानी बहता है, यहाँ पर ऐसे शिव जी का एक बना हुआ है, कृष्ण विष्णु जी का बना हुआ है, और सामने एकदम जो वहाँ से पूरा प्रॉपर पानी बहता है यहाँ पर आता है, एंड ये जो है यहाँ पर पूरा ब्यूटीफुल सराउंडिंग है, ये मंदिर है सामने, तो वहीं देख सकते हो सारे के सारे यहाँ पे, ये सामने और दो तीन मंदिर है, ये सामने एक मंदिर है बट ये भी प्रॉपर आई थिंक अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए बंद करा हुआ है कोरोना के टाइम की वजह से, ये दोनों ही मंदिर है यहाँ पर,
इनको भी फिलहाल कुछ टाइम से बंद कर रखा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं फिलहाल। सो अगर आप कभी भी बिरला मंदिर की साइड आते हो तो वही बहुत ही बढ़िया जगह है। बस मंदिर में यह है कि आपको साइड में प्रॉपर एक अपना सेक्शन दे रखा है जहाँ पर आपको स्लीपर्स और फोन को अपने सबमिट करना पड़ता है, तब आपको मंदिर में एंट्री मिलती है। बट ये जो है बैक साइड का एरिया है, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टैचूज मिल जाएंगे, बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को, केव्स मिल जाएंगे, स्टैचूज मिल जाएंगे, मंदिर भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक पार्किंग सेक्शन भी दे रखा है, पार्किंग सेक्शन है, झूले हैं, मतलब प्रॉपर आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा सराउंडिंग है इस मंदिर की। बहुत सारे आर्किटेक्चर्स यहाँ पे हैं, रथ है, बहुत सारे स्टैचूज हैं मंदिरों की, तो मतलब पूरा एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है ये, देखिए बहुत टाइम से ही मंदिर है। और कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें तो बंद है, इसलिए हम प्रॉपर इस समय शूट भी नहीं कर पा रहे। बाकी आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा आप मेरे को ज़रूर कमेंट में ज़रूर करके बताना। तो अब हम एग्जिट करते हुए जा रहे हैं बाहर। तो ये बैक साइड के हम लोग गेट से बाहर आते हैं, बाहर आ रहे हैं, और मेन जो मेन गेट है वो बीच में पड़ता है, और दो गेट हैं इसके, और तीसरा जो है पार्किंग वालों के लिए होता है जिनका कार बाय कार होती है बाइक होती है उनके लिए। तो गाइस भाई आप सभी का एक काम है, बस आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा बेस्ट पार्ट लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ, और आपको क्या सबसे बेस्ट लगा मंदिर में वो बताओ। बाकी आपको सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है मेरे चैनल को, और अगले वीडियो का वेट करो। बाकी आप वीडियो जाके देखो, ऑल द बेस्ट, बाय। लाइक करो एंड शेयर करो। व्लॉग हो चुका है खत्म, हम लोग जा रहे हैं अपने घर। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप बताना मेरे को जरूर भाई कमेंट सेक्शन में, वीडियो बड़ी मेहनत से बनी है, आप बाकी जाके वीडियोस देखो और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। बेस्ट पार्ट कमेंट में जरूर भूलना मत भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना आपको बेस्ट पार्ट वीडियो का कौन सा लगा।